तमाम लोग यहाँ पर आप तमाम साथी यह खुशी की बात है कि माचरा ब्लॉक के ज्यादातर गांव के प्रधान और बीडीसी के मेंबर और जो हमारे साथ में जिला पंचायत है वो सब लोग आज हमारे इस प्रोग्राम पर शामिल हैं। उससे भी ज्यादा खुशी ये है कि जो जीते हुए प्रधान है वो भी और जो हारे हुए प्रधान है वो भी सब यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे साथी है वो सब यहाँ पर बैठे हैं। मैं इन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ और जो उनकी अपने आरक्षण में कभी का नहीं है उसको भूल के जो आज का ये सम्मेलन की शुरुआत हुई है जिसको कहा जाए कि जिसका श्री गणेश हुआ है चुनाव का, यह कहेंगे कि यहाँ से बिस्मिल्लाह शुरू हुई है इस कैली गांव से। इसके आयोजक हम लोग जानते हैं क्या बेटी की बात करूँ, ये तो हम सारे साथी और ये पर्याय बात है एक दूसरे से तो बात नहीं है ना, पूरी टीम हमारी आज यहाँ से शुरुआत है। हमारे तमाम साथियों ने अपनी बात यहाँ पर इसके साथ सब साथियों ने बताया कि सरकार की कमी क्या है। सरकार की कमी तो तब बताई जाए कि ये सरकार में कोई खूबी हो, जिस सरकार में कोई खूबी नहीं तो उसकी कमी क्या हो, क्या कमी गिनाई जाए सरकार की। जो इनका मिशन था, जो इनका एजेंडा था, जो इनका मैनिफेस्टो था, वो चाहे दिल्ली की सरकार का पहला हो या वर्तमान का हो या यूपी की सरकार का, उस एजेंडे पे 1% काम हुआ हो तो कुछ इनकी कमी नहीं बताई जाए। कोई इन्होंने जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पहले पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में, अब जो इनकी मोदी जी की चल रही या फिर योगी जी का कोई वादा या इनका कोई अगर किसी में कोई काम हुआ हो ये भी कराई जा रही थी। इनमें ये कमी है, इनमें तो सारी खूबी है, कमी से इनमें कुछ है ही नहीं, लेकिन एक कमी है इन सारी खूबियों में से जो एक कमी निकलती है कि जहाँ से सारी दुनिया के झूठ खत्म होते हैं इनके झूठ वहां से शुरू होते, इतने बड़े झूठ, बाकी तो सब ठीक है बस एक ही कमी है झूठे हो। पहला मैंने बच्चों को 15,000 फ्री में गए, बिजली फ्री, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर, डीजल फ्री, शिक्षा फ्री और समाज में ऐसा माहौल कि किसी की जिंदगी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, रामराज की कल्पना। लेकिन सम्मानित साथियों सोच के देखो, दिल पे हाथ रखो, पैसा काम पूरा हो और सरकार भी कहीं के बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पर पार्लियामेंट में वोट क्लब पर अगर गैस के 10 रुपए बढ़ गए तो बड़े बड़े नेता सिलेंडर लेके जंतर मंतर पर और कुछ नाम आ गया तो गाड़ी में बैठ के चले। आज वही सरकार है, वही लोग हैं, गैस की कीमत जब इनको सरकार मिली थी तब से लेकर अब तक दुगनी कीमत हो गई, सेम पोजिशन पेट्रोल और डीजल की है, बिजली की तो कोई इंतहाई नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है उत्तर प्रदेश की जनता तो सबसे ज्यादा बिजली के मामले में होती है, पेमेंट करेंगे नहीं और आज दिन की भी देरी हो गई तो काटेंगे नहीं, कागजों में कटा हुआ निकलाएंगे, रिपोर्ट था कोई बचा हुआ नहीं है। बिजली के इशू में आप देख लो कोई इशू ऐसा हो जिस पर जनता को राहत मिल रही हो,
के नाम पर इन्होंने एक अक्षर की बराबर इन्होंने काम किया। और झूठ बोलने में सुबह से लेकर शाम तक जो दिन निकलता है नए झूठ के साथ मिला, जो भी दिन निकलेगा नए झूठ के सामने आ रहा। बहुत अभियान चलाया गांव कृषि रोकेंगे, मुबारकबाद। इन्होंने कहा कि हम रोकेंगे, इस बात के लिए मुबारकबाद। लेकिन गांव कृषि के नाम पर जो फसलों का हाल हुआ है आप लोगों का, मुझसे ज्यादा कह सकते हैं। और वो काम रुकने में ये नाकामयाब रहे। नाकामयाबी की वजह ये है कि इनकी पुलिस ने पैसे लेके वो काम कराया कि चोरी छुपे लोग काम कर, किसी इशू पर कोई मतलब नहीं है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का मसला है, हमारे नेता का मसला है, हमारे मैनुफैक्चरों का मसला है, जो हमने वादे किए थे, जिन्होंने जो वादे किए थे उनका मसला है। आप किसी एक इशू पर बताओ कि सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा ना किया, वो काम भी किए तो मैंने पहले छोड़ दिया। ये जो फाइल बनवाए ये हमारे मैनुफैक्चरों का हिस्सा नहीं थे, जो बस चलवाई ये मैनुफैक्चरों का हिस्सा नहीं था। किसी की कल्पना नहीं थी मंदिरों 90 जो इनका एम्बुलेंस थी, किसी की कल्पना नहीं थी। आप गवाह हो, एक्सीडेंट हो गया, टेलीफोन किया, 5 मिनट भी लगी जो आपके एक्सीडेंट के केस में आपको एम्बुलेंस करना थी। हर गली के नुक्कड़ पर एक एक गाड़ी खड़ी कर के जो आपको बाहर घूमने की मदद। और गाड़ी भी के पहले कमी थी, एक कमी थी पहले, ये लोगों ने बदमाशी करी भाग गए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस गाड़ी में छक्के लगाती रहती है। हमारे नेता ने ने कमी को दूर किया और बेहतरीन गाड़ी थी जो पुलिस वाले आप लोग देख रहे हो, हमने भी जाने की जरूरत नहीं, सारी घरनी उन्हीं गाड़ियों में बैठ कर जैसी चला के आराम से काट जब से वो गाड़ी। ये सारी गैन समाजवादी पार्टी के नेता अलग अखिलेश यादव, जहाँ बिजली का चालू है, इस चेंजिंग आदत है सरकार के कि अगर किसी किसान पर बिल जमा करने के लिए पैसा नहीं है तो उसकी बिजली नहीं काटी जाएगी, मौका दिया जाएगा। और अगर किसी पर ड्यूज है तो किसी किसान को जेल में नहीं डाला जाएगा। आज की स्थिति इसके विपरीत है तो पता नहीं चलता रिपोर्ट का, और जो हाल है मुझसे ज्यादा नहीं चला। गन्ने का पेमेंट नहीं है और इनके छूट की कोई इंतहा नहीं है। जो लोग राजनीति का ज्ञान रखते सबको मालूम है कि ये नीचे भले भले करते रहेंगे, इन्हें कोई किसी को टिकट मिलने वाला नहीं है। आज की बात नोट करो, क्योंकि इनकी जो 5 साल की 4 साल की काम करती है वो इनके नेताओं तक पहुंच रही है। इनसे चुनाव नहीं होगा, चुनाव नए कैंडिडेट से होगा। भारतीय जनता पार्टी इनके कारनामों से खुद जली हुई है, खुद आशंकित है, खुद इनको टिकट नहीं लेना चाहते, इसलिए कि ये इस लायक नहीं है कि ये टिकट नहीं पाए। तो धोखे में बन गए, नोट कर लेना मेरी बात को, एडवांस में कह के जा रहा हूं, पहले से मरण आयो आगे बढ़े। आज आपसे एडवांस में कह रहा हूं, जिस गलत फैली में हो ना कि हलवा समझ के इनसे चुनाव जिन घर में बैठे बैठे जीत जाओगे, इनका तो टिकट ही नहीं होने का। लिख लेना, पूरे जिले में अगर वर्तमान विधायकों में से एक दो टिकट बच जाए तो बच जाए, किसी का कोई टिकट नहीं बटर, इनके सबके चुनाव की तैयारी उस हिसाब से करो कि कोई सामने आ जाए देखा जाए।
हमारे कुछ साथी हैं, हो गया काम, काम इतनी आसानी से नहीं होने का, जिनसे मुकाबला है ये सब लोग चोर हैं। चलो मनाली के बेचारे में क्या है किसी को कुछ पता नहीं, ये हिंदू मुसलमान करेंगे, ये चुनाव जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए इन्हें चाहे एक और पुलवामा पुलवामा करना पड़े, ये वो भी करेंगे, इन्हें कुछ करना पड़े ये सब कुछ करें। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि हमारी टीम है चौर विधानसभा क्षेत्र में इतनी मजबूत टीम है कि आपके चाहिए पुलवामा करें या कुछ और करें, लोग कर रहे हैं हमारी टीम इनके किसी भी प्रबंध में आने वाली नहीं है। लेकिन साथियों और दोस्तों, बात सौ विधानसभा क्षेत्र से नहीं बनेगी, बात तब बनेगी जब सारी की सारी सीट यकीन नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा, हमारा काम टिकट मांगने का, हमारा काम अपने साथियों के लिए टिकट किया, हमारा काम अपने नेतृत्व का अपनी बात कहने का, हमारा काम टिकट देने का नहीं है, टिकट देने का काम हमारे नेताओं का है, प्रयास करेंगे अच्छे लोगों जो कंट्रोवर्सियल लोग हैं उनको टिकट ना मिले, पूरा प्रयास करेंगे, उसके बावजूद भी कौशल भी आगे आगे नहीं, उसके बावजूद भी नेता है जिसको टिकट देंगे स्वागत दिया जाएगा, पार्टी के प्रतिनिधि का मजबूती के साथ चुनाव होगा, मजबूती से आपसे आग्रह चल गया, आपसे आग्रह और निवेदन है कि समाजवादी पार्टी को देखो, अपने नेता अररिया अखिलेश यादव को देखो और सारी दुख के निशाने को देखो, ये हम लोगों का काम नहीं है कि कौन तय, हमारा काम तो अपने नेताओं को सही बात बताने का है, उसके बाद निर्णय हम के हाथ में, लेकिन जो निर्णय हो जाए इन सरकार को हटाने के लिए कोई कैंडिडेट हो मतलब उसका चुनाव लड़ाओ, कुछ बात सिर्फ पिछौर की नहीं है, बात तो पूरे देश की है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी समाजवादी पार्टी को लाने के लिए, अखिलेश यादव को लाने के लिए आपस की जो प्रधानी की कविता है, जो जिला पंचायत की है, जो पीडीसी की है, जो कविता है, इसको सबको भूलेंगे और एक टारगेट रखेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे आए और समाजवादी पार्टी के रहने के कैंडिडेट कैसे है। आज शुरुआत है मशवरा करेंगे अपने साथियों से कि विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव ये है, विधानसभा का आखिरी गांव दसपुरा ब्लॉक में ले लेंगे, दसपुरा ब्लॉक में यहाँ लोग तय करेंगे, अगला सम्मेलन नहीं चार दिन दस दिन में वहाँ करेंगे, शुरुआत कर दी यहाँ से है और आगाज यहाँ से है और अंजाम लखनऊ विधानसभा से पहले कुछ है। एक बार मुझे उम्मीद है कि इससे छुटकारा मिलेगा और जो काम हमारी सरकार में हल्के से ऑब्लिगेशन का हो जाता था, अब तो गंजे रहना पड़ा, पैसे चले जा काम की कोई नहीं, अरे काम हो रहा सब बड़ा करेगा कोई भले ही हमारे हमारे कई साथी बैठे हैं जो सिलाई में कोई कर रहा है और थाने में दर्जियों को आए बैठे हैं, इसका छुटकारा सबका बस एक ही है, और आप सब लोग जब मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो उनसे छुटकारा हो जाएगा, और
पिथौर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने तय कर दिया है। ये जो हमारे साथी यहाँ प्रधान जी का पीडीसी जी का यहाँ पर मौजूद है, ब्राह्मण भी हैं, गुजर भी हैं, जाट भी हैं, त्यागी हैं, सुरुदास भी हैं, गिरी भी हैं, कोई जाति और कोई जाति कोई बची हुई नहीं है जिनका प्रतिनिधित्व और जिनमें से लोग स्टेट पे या सामने ना एक भी हमारे साथियों में तो भी है। बस वो मुझे तो यह देखना चाहूँगा बाकी कोई आपके स्टेज पर भी नहीं आता, वहीं नहीं आता पा नहीं ना दूर दूर ये कमी है। अब ये आज भी कुछ आ बैठे नीचे बैठे दशियो शर्मा हैं, त्यागी हैं, गुजरों में से हैं, डॉक्टर में से हैं, जो भी है जो जीत का है और तो जिला पंचायत के मेंबर हैं वो भी जाना पाए इधर उधर ही हैं। तो सबका शुक्रिया भी अदा सारी टीम का टीम है तो अपना वजूद है, टीम है तो टीम का वजूद है, टीम नहीं तो किसी का। अपने साथियों को सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ, सबसे आग्रह कर रहा हूँ राठौर मजबूती के साथ है। गौरव बैठा तेरे पीछे, गौरव की डबल जिम्मेदारी है कि गौरव पहले बीडीसी में और गौरव मनोज सब लोग पहले बीडीसी और उसके बाद फिर अपना बीडीसी का तो दो तीन रोज में खत्म हो जाएगा। दस बस में ना सुबह शाम भी खत्म हो जाओ कहाँ दस बार देख रहे हो सुबह शाम के मुझे हवा में बात करते फिर जब कैली के दोनों हमारे पास जब बहरोले के दोनों हमारे पास जब भगवानपुर और माशरे के हमारे साथ अंजीपुर और रहदरार कुआ खेड़े के हमारे साथ साधना है, हसनपुर है, चौदा है, महतवाला है, ये तो बताओ चौदा है असल में गड़बड़ी हो जाएगी। थोड़ी सा गाँव में जाओगे कोई काम बचा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ का बीडीसी हमारे साथ हाथ आने मुश्किल हो हवाई थाली इसी माशरे के लोग में नहीं ये बैठे खड़कोले वाले माली चुड़िया कभी की हो नहीं हाथ ही नहीं लग रहा तू हिम्मत नहीं पड़ रही कम से कम में तो खर्चा दाखिल कर दस की बात नहीं दस बार तो बहुत पहले हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबका शुक्रिया और बेटी का क्या शुक्रिया मैं बेटी का तो शुक्रिया बेटी तो हमारी टीम का एक आदमी है शुक्रिया तो प्रधान जी का प्रधान जी बुढ़ापे में भी सब बातों का निगाह रखते हैं ऑपरेशन हो गया परेशानी भी है बेटी के पिताजी असल में अध्यक्ष वहाँ से है वहाँ वहाँ से चाबी हर वक्त मैं तो सारे कैदी वालों का शुक्रिया सब लोग तो हाँ आज तो सारे भैया मुखिया के लिए मुखिया अपनी पार्टी के प्रोग्राम में है पूरा करने सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका साथ।